हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिश ट्यूशन। मैं राहुल कुमार। स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसी वर्मा चैप्टर 29 क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन है, इन सम ओल्ड टेस्ट इट इज मेंशन दैट 4 पाई लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ईच यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ ओल्ड टेस्ट में, बहुत सी पुरानी किताबों में इस तरह का चर्चा किया होता है, इस तरह का मेंशन होता है कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट मतलब वन कूलम का उस पे चार्ज है, ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं, तो कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहिए या सिंपली लाइंस ऑफ फोर्स कहिए, जो ओरिजिनेट होते हैं वो कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होता है, 4 पाई। क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह का चर्चा किया होता है, इस तरह का लैंग्वेज मेंशन होता है, 4 पाई लाइंस ऑफ फोर्स किसी इलेक्ट्रिक यूनिट पॉजिटिव चार्ज से इतना लाइंस ऑफ फोर्स, इतना नंबर 4 पाई लाइंस ऑफ फोर्स जो है ओरिजिनेट होते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट 4 पाई इज नॉट एन इंटीजर। इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है ये, जबकि हमें पता है कि 4 पाई जो है इंटीजर नहीं है। बिल्कुल ही क्लियर है स्टूडेंट, 4 पाई का वैल्यू कितना होगा रफली, ये पाई का वैल्यू 3.14, दिस बिकम्स 12.56, ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो अब क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज से या किसी भी चार्ज बॉडी से, या तो एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा या 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, 5 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, 10 होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, 12 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो सकता है, 13 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उससे ओरिजिनेट हो सकता है कि कर रहा हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 12.56 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इतना, उसका कोई पार्टिकुलर नंबर होगा, तो ये तो इंटीजर है ही नहीं, तो फिर इस तरह का लैंग्वेज क्यों यूज किया जाता है कि 4 पाई लाइंस ऑफ फोर्स, इसका कहने का क्या मतलब होता है। दूसरा, यहाँ पर चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं इसको रफली, अगर 12.56 को मान लेते हैं रफली कि भाई चलिए 13 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होता है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज से, 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो ओरिजिनेट होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है, इसके हिसाब से चलिए मान लेते हैं 13, तो भी ये गलत है। ऐसा थोड़ी है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज से सिर्फ 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये इमिनेट होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं आपको ऐसा मिला नहीं होगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है स्टूडेंट क्या होता है, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को समझने के लिए आप रिकॉल कीजिए मास के बारे में, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है मास का, मास जिसके बारे में इनफैक्ट आई थिंक कि 5-6 क्लास से ही आप लोग पढ़े होंगे कि किसी बॉडी का मास 5 kg है, 2 kg है। तो मास क्या होता है, मास क्या, मास को कभी आपने देखा है? अब जैसे इमेजिन कीजिए कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर जैसे आपका एक पेन रखा हुआ है, उस पेन का सर्टेन मास है, 20 ग्राम, 30 ग्राम, कुछ भी है, ठीक है ना, तो इसके मास को क्या आप देख रहे हैं, मास को आपने कभी देखा है? नहीं, मास को आप देखते नहीं है। आप जब इस पेन को जब इस तरह से होल्ड करते हैं, जब आप इसको उठाते हैं, पकड़ते हैं, तो आपको फील होता है ओ इट हैज सर्टेन मास। तो मास को आप नहीं देखते हैं, आप देखते हैं मटेरियल को, आप देखते हैं जैसे ये पेन प्लास्टिक से बना, तो आप इसके मटेरियल को देख रहे हैं। मास एक कंसेप्ट है, न्यूटन साहब ने इंट्रोड्यूस किया था मास के कंसेप्ट को। अब मास के कंसेप्ट की सहायता से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे अर्थ जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वर्क करता है। तो मास एक कंसेप्ट है, मास को हम देखते नहीं है, क्लियर है? उस कंसेप्ट की सहायता से हम बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है स्टूडेंट, ये बिल्कुल ही इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है, आप ना तो उसे देख सकते हैं कि भाई हाँ मुझे दिख रहा है कि हाँ ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे दिख रहा है कि हाँ उधर भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, किधर निकल रहा है, किधर निकल रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, और ना ही आप उसे काउंट कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही इसका कंसेप्ट हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है। हाँ, अब इसके कंसेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि इसके कंसेप्ट की सहायता से हम लोग बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है हम उस चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। अब दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, क्लियर है? तो ये Q1 ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पर फोर्स लगाएगा, क्लियर बात है भाई? ये तो इसके पास जाता नहीं है, ऐसा नहीं कि इसके पास जाके इसको इस तरह से पुश कर रहा है, बिल्कुल नहीं, तो ये इस पर कैसे फोर्स लगा देता है। इसीलिए तो इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कि भाई इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो ओरिजिनेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पर फोर्स लगाता है, क्लियर बात है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ये मतलब होता है। अब ये 4 पाई लाइंस ऑफ फोर्स कहने का क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को चलिए हम लोग समझ लिए, ये 4 पाई लाइंस ऑफ फोर्स कहने का क्या मतलब होता है। अगेन इस चीज को थोड़ा सा और समझने के लिए रिकॉल कीजिए यूनिट डायमेंशन में, बहुत डिटेल से वहां पर आपको हम बताए थे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में, ये क्या होता है प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल बहुत ही बेसिक है, बहुत पहले से आप लोग यूज करते आ रहे हैं। सपोज कीजिए इस प्लेन में, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, इस प्लेन में किसी पॉइंट पर ये कोई आर्क है, ये जो एंगल बना रहा है,
ये जो एंगल बना रहा है, नॉर्मली इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा खुद से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस प्लेन में ये आर्क जो एंगल इस पे बना रहा है, या फिर इस पॉइंट पर ये सर्कल, इसी प्लेन में ये सर्कल जो इस पे एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस केस में इन ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल। नॉर्मली हम लोग इसको रेडियन में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट होता है रेडियन, डिग्री में भी मेजर करते हैं फ्रिक्वेंटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता है हम लोगों को। जैसे ये सर्किल इस पर कितना एंगल बनाएगा, तो भाई 2 पाई एंगल बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सॉलिड एंगल स्टूडेंट क्या होता है, रिकॉल कीजिए कि अब सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पर यहां पर कोई सर्कल है। अब ये सर्कल ये यहां पर नहीं है, इसी प्लेन में नहीं है, यहां पर कोई सर्कल है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये सर्कल इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये सर्कल इस पॉइंट पर किस तरह का एंगल बनाएगा, तो इस तरह का कोण, लाइक दिस, समझ रहे हैं, दिस 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 दिस। तो या ये यहां पर जो एंगल बनाएगा इस केस में, तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। और याद कीजिए इसको हम लोग मेजर करते हैं एसटी रेडियन में, ऐसा यूनिट इसका होता है एसटी रेडियन, तो इसे हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। क्लियर बात है। चलिए अब समझते हैं ये 4 पाई का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट 4 पाई का मतलब होता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल से, हम लोगों ने देखा है कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो इसके आसपास में, इसके सराउंडिंग में, हम कहीं पर भी कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल रख देते हैं, ये चार्ज पार्टिकल दूसरा चार्ज पार्टिकल चाहे यहाँ पे रखें, चाहे यहाँ पे रखें, चाहे यहाँ पे रखें, चाहे यहाँ पे रखें, चाहे यहाँ यहाँ कहीं भी रखें, तो सब जगह देख रहे हैं कि ये चार्ज पार्टिकल जो है कहीं भी रखते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स लगा देता है, कहीं भी रखते हैं तो फोर्स लगा देता है। देखिए इससे एक बात तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को हम देख नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गया कि इससे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो ऑरिजिनेट हो रहा है, जो निकल रहा है, वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यूनिफॉर्मली सारे डायरेक्शन में चारों तरफ निकल रहा है। अब कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है इस चीज को समझने के लिए कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, ये आपका कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, इससे कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इस चीज को फिल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया भाई, चलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं एक स्फीयर से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हम एक स्फीयर बना रहे हैं, नॉट सर्कल, थ्री डायमेंशनल फिगर, क्लियर है, स्पेस में इसको एक स्फीयर से हम कवर कर दिए। अब जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो इससे ओरिजिनेट होगा, वो सारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस स्फीयर से पास करेगा, पक्का बात है, निश्चित रूप से इस स्फीयर से पास करेगा सारा का सारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, या तो इस स्फीयर से बात करें, मान लेते हैं इस स्फीयर का रेडियस आर है, या कोई भी दूसरा स्फीयर से अगर हम इसको कवर करते हैं जिसका रेडियस कुछ अलग हो, कोई दूसरा एक स्फीयर जिसका रेडियस है मान लिया R2, तो उतना ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो 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 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस स्फीयर से पास करेगा, वही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इससे भी पास करेगा, समझ सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सेम रहेगा, क्लियर बात है। तो पक्का बात है कि सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स उस स्फीयर से पास करेंगे। अब ये 4 पाई स्टूडेंट क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल रिजल्ट है, इसकी डेरिवेशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप ये समझिए कि कोई भी स्फीयर जो है वो अपने सेंटर पे टोटल 4 पाई एंगल बनाता है, 4 पाई होता है टोटल सॉलिड एंगल, क्लियर है। तो इस पॉइंट चार्ज से टोटल जो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं वो सारे के सारे इस स्फीयर से पास करेंगे, और ये स्फीयर इस पॉइंट चार्ज पे जो इसके सेंटर पे है, इस पे टोटल कितना 4 पाई एंगल बना रहा है। तो 4 पाई लाइन्स ऑफ फोर्स कहने का स्टूडेंट ये मतलब होता है, ये जस्ट एक तरीका है बताने का, इस तरह से कहने का, जिसका यही मतलब होता है कि भाई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है यूनिफॉर्मली चारों डायरेक्शन में ओरिजिनेट होते हैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज से, और वो टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है उस सोर्स चार्ज पे ये जो सोर्स चार्ज है वहां पर टोटल वो मिलकर इस तरह से 4 पाई एंगल से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। इसका सिंपली ये मतलब होता है, ये मतलब नहीं होता है कि 4 पाई लाइंस ऑफ फोर्स मतलब 4 इंटू इतना लाइंस,
ऑफ फोर्स निकल रहा है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो सिर्फ मान ले कि 13 लाइंस ऑफ फोर्स, तो 13 तो हो सकता है यहाँ पे फोर्स लगता है, यहाँ पर रखते तो फोर्स नहीं लगता, फोर्स नहीं लगता क्योंकि तो एकदम रेस्टिंग टाइप करती है 13 ही। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका कहने का ये मतलब होता है कि भाई वो यूनिफॉर्मली चारों डायरेक्शन में ओरिजिनेट हो रहे हैं, सो डैट कि जो सोर्स चार्ज है वहाँ पर वो टोटल मिलकर 4π एंगल को बना रहे हैं, क्योंकि एक स्फीयर जो है अपने सेंटर पे टोटल जो सॉलिड एंगल बनाता है दैट इज 4π। ये एक छोटा सा रिजल्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।